हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर यूरो। भाई तो आप लोग पूछते हैं ना कि मतलब फिनलैंड में अगर आपको एडमिशन लेना है बिना आइलेट्स एग्जाम के, तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बिना आइलेट्स के आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए। तो भाई आज का वीडियो मैंने सोचा चलो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप बिना आइलेट्स एग्ज़ाम दिए भी एडमिशन ले सकते हैं और स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो अप्लाइड साइंस फिनलैंड में जनरली दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और एक अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में क्या होता है कि एक तो उनकी फीस भी कम होती है, दूसरा स्कॉलरशिप भी आपकी ज़्यादा होती है। जनरली मास्टर्स में तो आप फिनलैंड स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम होता है वो तो मैं उसके वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और बैचलर्स में भी आपको जो जो परसेंटेज होता है स्कॉलरशिप का, तो फीस कम होती है और जो परसेंटेज भी आपको मिलता है स्कॉलरशिप, मतलब जैसे फीस के अकॉर्डिंग, कि मान लीजिए आपकी 8,000 या 9,000 है तो आपको 15% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कुछ इस तरह से, तो वो भी ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में। तो मैं आज के वीडियो में आज केवल बात करना चाहता हूँ कि वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप आइल्स एग्जाम के बिना भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आरकेडा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, नंबर वन पे आरकेडा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, रिमेंबर ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आरकेडा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, और सेकंड है आपकी सेंट्रा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। ठीक है, ये एनालिसिस मैंने पूरा किया है इसलिए बता रहा हूँ आपको, सेंट्रा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस। डोंट वरी, मैं जो सारे आपके जो लिंक्स है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है और उनके जो लिंक्स हैं आप कहाँ कैसे एडमिशन ले सकते हैं वो मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर। इसके बाद है आपकी जो तीसरी यूनिवर्सिटी है जैम्प बोलते हैं, जैम्प यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, जैम्प यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, नंबर थ्री पे है ये आपकी। नंबर फोर है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, ये नंबर फोर पे है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड। नंबर फाइव है आपकी कैम्प यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये आपकी। इसके बाद है आपकी मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम। इसके बाद है आपकी सेनेयॉक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपकी है नोविया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, ये जो वासा में है। ठीक है, तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम बिना आइल्स एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट, तो भाई देखो मास्टर्स एग्जाम के लिए तो आपको वैसे भी देखो आइल्स एग्जाम की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। देखो ठीक है, मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मास्टर्स में तो आपको देखो वैसी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बैचलर्स की अगर हम बात करें कि अगर आप ज्वाइंट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, जो ज्वाइंट एग्जाम होता है ना जनवरी में आपको एप्लीकेशन निकलती है, जनवरी जनरली 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी इसके बीच में एप्लीकेशन, जो ज्वाइंट एग्जाम होता है उसमें अगर आप क्या कहते हैं बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको यूएस एग्जाम देना पड़ रहा है, तो फिर आपको अगर इन यूनिवर्सिटी के भी बारे में बात करूं मैं तब आपको एग्जाम देना पड़ेगा आइलेट्स का। ध्यान रखिए, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है आइलेट्स एग्जाम, लेकिन जो यूएस एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो यूएस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, बिना आइलेट्स एग्जाम के आप नहीं अपीयर हो सकते। ठीक है, तो फिर एक ऑप्शन है इन यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए कि आपको आप सेपरेट एप्लीकेशन जो होती है उनकी, एक तो ज्वाइंट एप्लीकेशन, एक सेपरेट एप्लीकेशन भी होती है। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो सेपरेट एप्लीकेशन से अगर आप अप्लाई करेंगे बैचलर्स में, अगर वैकेंसीज हैं, आप देखते हैं सीट्स हैं और मतलब आप देखते हैं कि सीट्स हैं या वो लोग एप्लीकेशन खुद निकालते, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आइलेट्स एग्जाम की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही इनका क्या कहते हैं एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही आपको क्या कहते हैं ये लोग इंटरव्यू ले लेंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा और आपको उसी में वो लोग अपना इंग्लिश का चेक कर लेंगे भाई आपके इंटरव्यू में कि आपकी इंग्लिश कैसी है। ठीक है, अलग से कोई आइलेट्स का एग्जाम नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई। पॉइंट वन, मास्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, आप बिना आइलेट्स के दे सकते हैं। बैचलर्स के लिए अगर आप ज्वाइंट एग्जाम के थ्रू जाते हैं तो आपको आइलेट्स की चाहिए, क्योंकि यूएस एग्जाम की रिक्वायरमेंट आइलेट्स है। तो बैचलर्स के लिए सेपरेट एप्लीकेशन भी एक होता है, एक तो ज्वाइंट एप्लीकेशन, एक होता है सेपरेट एप्लीकेशन। मैं भी दिखाऊंगा आपको स्टडी इन फिनलैंड या opintopolku.fi में जहां से एप्लीकेशन भरते हैं आप एडमिशन के लिए फिनलैंड में। ठीक है, वैसे पहले भी मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। ठीक, तो फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा दूंगा। तो ये भी चीज समझ में आ गई ना आपको। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बिना आइलेट्स एग्जाम के भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये चीज़ क्लियर होगी। सारी लिंक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब रही बात कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो मैं वो आपको जरा opintopolku.fi जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं फिनलैंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं opintopolku.fi से कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है और कैसे आप करते हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं।
तो भाई देख रहे हैं नौकरी, तो ये आपकी जो ओपन टू पोलकू डॉट एफ आई, यही एक वेबसाइट है जहाँ फिनलैंड में आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप गए नीचे डिग्री डॉट इन इंग्लिश, ये आपने क्लिक किया इस पर, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके सारे कोर्सेज आपके दिख जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मिल जाएगा आपको सारी यूनिवर्सिटी, या फिर आप स्टडी प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हैं तो प्रोग्राम के हिसाब से भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जाएंगे अब आप, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप सब लेफ्ट साइड पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन गोइंग सब कुछ अवेलेबल है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूएस बैचलर प्रोग्राम मास्टर्स प्रोग्राम ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात। इसके अलावा भी आप और चीज़ें भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो भी अगर आपके मतलब किए तो आप इसको, ये बहुत जरूरी है, यही एक वेबसाइट है, ठीक है ना। और देखो आप यहाँ पे आके क्या कहते हैं, नीचे अगर आप और भी जाएँ तो आपको और सारे ऑप्शंस ही मिल सकते हैं, ठीक है, ये आपका मेन है यूनिवर्सिटी स्टडी प्रोग्राम में, जैसे बैचलर्स मास्टर्स, तो आप डॉक्टर्स यहाँ से अलग अनक्लिक कर देंगे तो बैचलर मास्टर्स केवल रखिए तो आपको सारे। और फिर देखिए एप्लीकेशन ऑन गोइंग, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन स्टार्ट विद इन वन मंथ, देखो दोनों ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अभी एप्लीकेशन चल रही है, जो ऑप्शन एक महीने के बाद स्टार्ट होने वाली, सब सारे कोर्सेज निकल के बाहर आ जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इंग्लिश है ही है, और नहीं अगर आप धोखे से तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखो लिखा रहा है, ठीक है। अब आप सेपरेट एप्लीकेशन ज्वाइंट एप्लीकेशन, अभी आप सेपरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना, ज्वाइंट भी चेक कर सकते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन जब निकलेगी, लेकिन सेपरेट एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट किया, ज्वाइंट भी है तो ज्वाइंट पे ज्वाइंट भी सिलेक्ट करना, ज्वाइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सेपरेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करके देखिए पहले, तो आप देखेंगे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन है उनकी की एप्लीकेशन है, उनका खुद का एग्जाम होगा, ठीक है। और मैंने जो बताया आपको कि मतलब उसमें देखो मेट्रोपोल यूनिवर्सिटी भी है, नोविया भी है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई उनमें क्या कहते हैं आपका जो आइल्स है, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोविया में कुछ कोर्सेज में आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, सारे कोर्सेज में नहीं है कि ऐसा है, लेकिन अदर जो यूनिवर्सिटीज मैंने बताई है उनमें आप विदाउट आइल्स, चाहे बैचलर्स हो मास्टर्स हो, आप दे सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अबाउट द जॉब्स इन फिनलैंड, कैसे आप जॉब पा सकते हैं और कैसे कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है, ठीक है, और कैसे आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और भी स्टडी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियो मैं फिनलैंड के लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है, तो और यूरोप के अदर कंट्रीज़ के लिए भी मैं बनाता रहता हूँ। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपका अपकमिंग वीडियोज़ आपको पता चलती रहेंगे। और हमारा जो फेसबुक पेज है आप उस पर भी जाके उस पर भी लाइक कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ इंस्टाग्राम पे भी मैं लाइव आता रहता हूँ, ठीक है ना, तो देसी टीचर यूरोप इंस्टाग्राम जो है उसमें मैं लाइव आता रहता हूँ, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं कवर करता हूँ, तो उसको भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।